रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज मुल्क भर में शरण हड़ताल तहरीक इंसाफ की जानिब से, उसी सिलसिले के अंदर हैदराबाद में भी हड़ताल है। मेरा कप में आप दुकानें बंद देख सकते हैं, तमाम मराकज़ बंद हैं, छोटे बड़े इदारे तमाम यानी कि माशी सरगर्मियाँ टोटल मुअत्तल हैं। हड़ताल की वजह महंगाई है और पेट्रोल की बढ़ती हुई बेइंतहा कीमतें हैं। लेकिन अफसोस इस बात का है कि पाकिस्तान की आवाम बिलखसूस हैदराबाद सिंध की आवाम ने सूद जैसी यानी कि नहूसत के ख़िलाफ़ अपना एहतजाज रिकॉर्ड नहीं करवाया और शटर डाउन करके अशराफिया को ये पैगाम नहीं दिया कि हम अल्लाह और उसके रसूल से जंग जारी नहीं रख सकते, रियासत इन पे एक्शन ले। और जिन बैंकों ने इस फैसले के ख़िलाफ़ अपील दायर की है उनके खिलाफ जो है एक्शन लिया जाए। नाज़रीन इकराम, मैं आपको ये बताना चाह रहा था कि रियासत पाकिस्तान ने एक ऐसी टेक्नोलॉजी बना ली है कि जो अल्लाह और उसके रसूल से जंग करने के काबिल है, और ऐसे नौजवान ऐसे यानी कि टेक्नोलॉजी बना ली है, मिसाइल बना ली है जो कि अल्लाह के गज़ब को टाल सकें। वाक़ कुछ यूँ है कि 90s के अंदर एक फैसला दिया गया, एक यानी कि केस दायर किया गया था तंजीम इस्लामी जमात इस्लामी और तहरीक इंसाद सूद की जानिब से। वो केस इतना लपेटा गया, इतने लपेटे गया तो भी पिछले साल 27 रमजान मुबारक को फैसला आया, और फैसला अल्हम्दुलिल्लाह दीनी जमातों के हक़ में आया और तमाम किस्म के इंटरेस्ट को शरीयत कोर्ट ने सूद करार दिया, रिबा करार दिया, जो कि आईन पाकिस्तान की रूह से भी हराम मुतलक है। लेकिन नाज़रीन कराम, उसके एक महीने के अंदर जो है एक बहुत बड़ी और बहुत भयानक डेवलपमेंट देखने में मिली, वो ये कि नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान HBL पाकिस्तान और एलाइड बैंक, इस किस्म के 3-4 और बैंक थे जो कि सुप्रीम कोर्ट गए और शरीयत कोर्ट के इस बेहतरीन फैसले को चैलेंज किया, जिसके बाद एक बार फिर टाल मटोल करने का रियासत को मौका मिल गया और यूं एक बार फिर ये फैसला अमल दरामद होने के बजाय टल गया। लेकिन हमारे एक रियासती इदारे को इसकी एक बड़ी फिक्र है आईन की बालादस्ती के बारे में। जब भी उन पे सवाल उठाओ तो कहते हैं कि हम आईन को इन्फोर्स करना चाहते हैं और आईन की बालादस्ती चाहते हैं, लेकिन हकीकतन में वो भी वही हैं जो कौम समझती है, और हकीकतन में वही लोग हैं जो कि शरीयत को नाफिज करने की राह में बहुत बड़ी रुकावट साबित हो रहे हैं। वाकई यूँ है कि हमारी अदलिया के हवाले से जब भी कुछ बात करें तो उनको आईन याद आ जाता है, रियासत याद आ जाती है। जिस अदलिया ने यानी कि नज़रियाती ज़रूरत के तहत फौजियों की माशाल्लाह को हलाल करार दिया, हम उनसे खामखा तवक्को लगाए बैठे हैं कि वो मुल्क भला करेगी। लेकिन बातिल के इक्तदार में तकवा का आरजू इतना खुश फहम फरेब है जो खा रहे हैं हम। बहरहाल हम आते हैं सूद के मसले के ऊपर। एक साल मुकम्मल हो चुका है, 27 रमज़ान मुबारक को हो भी आएगा, लेकिन रियासत पाकिस्तान ने अब तक कोई ऐसा इकदाम नहीं किया जिसको कहा जाए कि ये एक बहुत बेहतरीन फैसला है और जो है मतलब कि अब पाकिस्तान के अंदर जो है सूद का खात्मा हो जाएगा। लेकिन हमने ये देखा इस पूरे एक साल के अरसे के अंदर मजहबी जमातों ने बड़ी बड़ी कॉन्फ्रेंस करवाई, काबिल ज़िक्र वो कॉन्फ्रेंस जो कि मौलाना तकी उस्मानी हाफिज़ुल्लाह ताला की इस ज़ेर क़यादत कराची में आर्ट्स कॉमर्स के अंदर हुई। लेकिन हुकूमत वक्त ने बड़े मसखरेपन किए। इसहाक डार की जब हम ड्रामेबाजी देखी, वो अपने ट्विटर हैंडल पर लगाता है कि रियासत सूद हराम है, सूद ये है वो है, और उसी दिनों ये वाक्य हुआ 17% सूद जो है हुकूमत ने, स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने 17% सूद में इजाफ़ा किया, और इसके बावजूद इस हुकूमत पाकिस्तान सूद पर इजाफा करती रही। ये है हमारी हकीकत, ये है हमारी असलियत। चलो मान लेते हैं कि इस अरसे ये फैसला हो रहा था कि सूद हलाल है या हराम है। जब 2022 के अंदर ये फैसला हो गया कि सूद हराम है मुतलक है, रियासत पाकिस्तान के एक बहुत अहम इदारे शरीयत कोर्ट ने ये फैसला दे दिया कि सूद जो है वो है मतलब कि हराम है मुतलक है, हर किस्म का सूद इंटरेस्ट रिबा हराम है, उसके बावजूद रियासत पाकिस्तान के बैंक नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान और ने जब इसकी पटिशन दायर की तो इन हुक्मरानों की नीयत साफ़ हो गई कि ये लोग कतान नहीं चाहते कि यहाँ पर सूद से निज़ाम पाक हो। बैनुल अक़वामी सूद
तो है वो है, वो उसका खैर हमें रोना भी नहीं है। इंटरनेशनल मामलात पर हम बाउंड हैं और इंटरनेशनल ब्रादरी के अंदर रहने के लिए कुछ कंप्रोमाइज़ कर भी लेते हैं, खा भी लेते हैं मजबूरन के तहत। लेकिन अगर हम सूबों की आपस में बात करें तो सूबों के दरमियान जो तिजारत होती है, जो लेन देन होती है, पेट्रोल की तिजारत हो गई या गंदम की तिजारत हो गई या किसी भी अशिया की तिजारत हो गई, उसके अंदर भी नाज़रीन कराम सूद है और बढ़ रहा है। यानी कि एक सूद जो हम कुफ्फार को दे रहे हैं और एक सूद जो हम मुसलमान आपस में खा रहे हैं, वो हलाल है, हलाल हसना है। बहरहाल नाज़रीन ये बताना था कि रियासत पाकिस्तान ने अब तक जो है सूद के ख़िलाफ़ कोई इकदाम नहीं किया, अलबत्ता उल्टा 17 से 18% इस एक साल अरसे के दौरान उन्होंने बढ़ा दिया है। तो इस यानी कि कुरान की आयत तो ये बात और हदीस से यानी कि साबित होता है कि इन लोगों के पास कोई ऐसी टेक्नोलॉजी आ गई है जो कि अल्लाह के गज़ब को टाल सके। अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ कि इस नालत से हमारा जल्द अज़ जल्द यानी खात्मा करवाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।